أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض باختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. पांच आयतें शुरू हो रही हैं कि ये अल्लाह की आयतें से शुरू हो रही हैं। इस रुकू की पांच आयतें ये अल्लाह की निशानियां हैं करके शुरू कर रहे हैं अल्लाह ताला। फिर उसके बाद आयत को ख़त्म कर रहे हैं। इसमें बहुत सी निशानियां हैं, बहुत सी निशानियां हैं किन के लिए, जो गौर फिक्र करने वाले, जो जानने वाले, समझने वाले, जो सुनने वाले हैं, जो अक़ल से काम लेने वाले। तो उसका तर्जुमा कल सुनाया था। और ये अल्लाह की निशानियों में से है कि इसने तुमको मिट्टी से बनाया, अब तुम इंसान हो और ज़मीन में फैले हो। ये अल्लाह की निशानियाँ हैं, उसकी निशानियाँ हैं, अल्लाह की निशानियाँ हैं कि उसने तुम्हारी जिन से तुम्हारी जोड़े बनाए, तुम्हारी बीवियाँ बनाई, जिनके पास तुम सुकून हासिल कर सको। और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ने मोहब्बत और रहम रखा, तुम्हारे दरमियान तुम्हारे अंदर जो अल्लाह ने मोहब्बत और रहम रखा। इसमें बहुत सारी निशानियाँ अल्लाह ताला की उन लोगों के लिए जो गौर फिक्र से काम लेते हैं। और ये अल्लाह की निशानियाँ हैं कि अल्लाह ने ज़मीन आसमान को पैदा किया। और तुम्हारी ज़बानों का, तुम्हारे रंगों का इख्तलाफ देखो, कैसे कैसे लोग, कैसी रंगत। इसमें बहुत सी निशानियाँ उन लोगों के लिए जो अक्ल समझने वाले हैं, जो इल्म रखने वाले हैं। तो गलती से यहाँ आल तो मुफस्सिर सी गलती हो गई, इतने बड़े थे, लेकिन कल भी बोला था मैं आपको कि आलमीन है, आलमीन ज़बर से लिख दिया है, तो तर्जुमा सही है, ये तर्जुमा तो उनका नहीं है, लेकिन तफसीर में जो फिर आलमीन है ना, जहाँ वालों से देखा वैसा नहीं, आलमीन आलिम के आलिम जानने वाला, आलमीन आलम जानने वालों के लिए कर, इन्होंने जहाँ वालों के लिए लिख दिया है तफसीर में। तो ये जो है सही, तो कौन से कुरान है और क्रॉस करने के लिए कौन सा मिले, कौन सा मिले, रूम की आयत, आयत नंबर 22 आलमीन है, लिल आलमीन है, लिल आलमीन यहाँ लिखा गया है, न लिखा गया बल्कि उन्होंने तफसीर वैसी बयान की, आलमीन जहाँ आलमीन जानने वाला। क्या तो बड़े लोगों से भी कभी गलती हो जाती है, ये विज़न रहना चाहिए हमारे। और ये उसकी निशानी, अल्लाह ताला की निशानी है कि तुम्हारा रात को सोना और दिन में रोज़ी तलाश के निकलना, ये अल्लाह का फल तलाश निकलना। इसमें बहुत सी निशानियाँ उन लोगों के लिए जो सुनने वाले हैं, गौर फिक्र से बात को सुनने वाले। और ये अल्लाह की निशानियाँ हैं, तुमको जो है बिजली की कड़क सुनाता है खौफ उम्मीद के साथ, और आसमान से बारिश नाज़िल करता है, और ज़मीन को मर्दा मुर्दा आने के बाद ज़िंदा कर देता है। इस
इसमें बहुत सी निशानियाँ उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेने वाले, और उस अल्लाह की निशानियाँ हैं कि आसमान को ठहरा रखा है, मालूम ज़मीन पर गिरता नहीं। फिर जब तुमको एक दिन पुकारेगा वही नमा जर तुम्हारी पैसा हम भी, तुम एकदम झिड़की हो जाए, उठ जाओ सब उठ जाएंगे, गेटअप करो, गेटअप कर सब उठ जाएंगे। और उसी का है आसमान और ज़मीन, जो कुछ भी है सब उसकी फरमा बरदार है। वही है जो पहली मर्तबा पैदा करता है और दूसरी मर्तबा रिपीट करेगा, उसके लिए बहुत आसान है, उसके लिए बहुत आसान है दूसरी मर्तबा पैदा करना। उसी के लिए है, उसी की शान सबसे ऊपर है आसमान और ज़मीन के अंदर, वही है ज़बरदस्त और इस सारी हिकमतों को जानने वाला। तो कल ये दो आयतें आपके सामने आई थी कि अल्लाह ताला इंसान को मिट्टी से बनाया, उसके बाद फिर अल्लाह ने तुम, ये अल्लाह के निशान में से कि उसने तुम्हारी जिन से तुम्हारा जोड़ा बनाया, तो गैर जिन से जोड़ा इंसान तो नहीं जम सकता, इंसान जिन से शादी कर लिया तो कैसा जिन से शादी कर सकते हैं नहीं कर सकते लोग डिस्कस करें सब करें, लेकिन गैर जिन से इंसान सुकून हासिल नहीं कर सकता। तो औरत हम जिन्स है, इंसान की जिन्स, हम जिन्स से मराज जो है इंसानी जिन्स से है, उससे अल्लाह ने जोड़ा बनाया औरत। तो उस और तुम्हारे अंदर जो है, ताकि तुम उसके पास सुकून हासिल कर सको, एक लफ्ज़ सुकून है उसके अंदर सब कुछ आ गया, तमाम इज़्दवाजी ताल्लुकात के लिए एक लफ्ज़ सुकून हासिल करना है, सुकून हासिल हो रहा है। उसके बाद आगे तुम्हारे दरमियान अल्लाह ने प्यार और मोहब्बत रखा है, ये अल्लाह की निशानियाँ हैं। तो इसको भूल कर हम लोग क्या करें, देखो तो अल्लाह के रसूल जो है, देखिए तुम्हें सबसे बेहतर वह है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और तुमसे बेहतर हूँ मैं सबसे घर वालों के लिए बेहतर हूँ, कोई मिसाल पेश किया है? अल्लाह के रसूल जो है क्या फरमाते हैं, तुम्हें सबसे बेहतर वह जो तुम अपनी बीवियों के लिए, घर वालों से मेरा बीवी है उनके लिए बेहतर है, और तुम्हें सबसे बेहतर हूँ मैं सबसे बेहतर हूँ। इस तरह अजवाज मुतहरात के अंदर अल्लाह के रसूल जो है बराबरी करते थे, 11 बीवियाँ थी, एक का इंतकाल हुआ और एक का इंतकाल हो गया तो 9 बीवियों की अबारी मुकर करके थे अल्लाह के रसूल बराबर से, किस तरह जो है बराबर जो है उनके पास शबाशी करते, सफ़र में जाना है तो रुकड़ा डाल के निकलते थे, कुड़ा डालते थे किसी भी उसको ले जाते थे, फिर उसके बाद वो ऊँट पर चढ़ा तो अपना पैर अपना उठना रख देते, इस पर पैर के छोड़ो वे तो कौन करेंगे ए चल उठ कर कौन चल चल चलो अपना घुटना रख देते उस पर रख के चढ़ देते। अरे तायशा से अब दूसरे अजबाज से 32 ज़्यादा है मालूम, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा है तायशा के जरिए से मालूम है, तो हज़रत आयशा कहाँ पानी पीती थी वहाँ से पानी पीते थे, ये देखो ऐसा कौन किया है जहाँ वहाँ पानी पीती वहाँ पानी पीते थे अल्लाह। तो ये जिस प्यार और मोहब्बत का अल्लाह के रसूल ने इजहार किया वो कोई भी नहीं कर सका। तो ये लोग अपनी ज़िंदगियाँ जो है अजरन करके बैठे लोग कितने अफसोस की बात है ना भाई। तो अल्लाह ताला करे हमको तुमको प्यार मोहम्मद से रहने के लिए करे, तुम्हें क्या कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लिखा है तफसीर में, मर्द औरत की इज़्ज़त का मकसद सुकून कल्ब है, ये जब भी मुमकिन है कि हम दूसरे का हक पहचाने अदा करें उसका क्या हक है, उसका हक नहीं दे रहे हैं उस पर जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, बल्कि हक तलबी का झगड़ा मैं बोले करें क्या, तुम्हारा तुम्हें हक अदा करें क्या, बोलो हक तलबी का झगड़ा चला है अल्फाज भी अच्छे लिखे उन्होंने, जब तरफे एक दूसरे का हक पहचान कर अदा कर, वरना हक तलबी के झगड़े से घर का सुकून बर्बाद होगा। लेकिन कानून क्या कर सकता है, कानून क्या भी नहीं कर सकता, यहाँ सिर्फ जो है अल्लाह का खौफ, खुदा के सामने एक दिन हाजिर होने का डर, ये सब चीज़ें जो है जो इंसान सर में पैदा करता है, इंसानियत जो पैदा करता है उससे इंसान जी सकता नहीं, जी सकता नहीं, कानून क्या करेगा, कानून पास करेगा ऐसा, तू उसे ये देना बस फुटगी देना, फुटगी दे सुकून मिला उसे नहीं बोल रहे हो, कानून क्या करेगा, उन्हें ये नहीं करो फुटगी दो, फुटकी बटी होती फुटकी जा रही सुकून है, इसे सुकून है कि उसे सुकून है, बोलो तीज बात, कानून से नहीं हो सकता सुकून, ये इंसानी से सुकून होता है, उसका बेहतरीन नमूना अल्लाह के रसूल है, कोई भी नहीं पेश किया ऐसा नमूना मालूम मैंने। तो आप कुछ में तजुब करेंगे जो है हदीस किताब में मुस्लिम शरीफ जो पढ़ रहा था मैं, इसके पहले भी दूसरी जगह आई थी हदीस में, हदीस उम में ज़र करके 11 औरतों की कहानी सुने अल्लाह के रसूल 11 औरतें जमा होते हैं और क्यों से देखो अपने अपने शोरों का हाल, सच्चा सच्चा हाल बोलो, तब वो उन अपने शोर की हिब्बत करे, वो सब
तो अहकाम ही नहीं ना, वो सिर्फ जहलत के ज़माने की बातें हैं और कहानी, पहले ज़माने की बात है वो। मशहूरों की शिकायत करना क्या एग्जर के सामने होगा, हमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये उस वक्त की बात है जब अभी शरी अहकाम भी नहीं थे और जहलत की औरतें तो 11 औरतें एक एक, एक, एक सब बोलने का, वो बिल्कुल ऐसा है अपने शोहर का जो अच्छा जो जो खूबियाँ हैं और वो असल चीज़ क्या है, वो अरबी ज़बान के लैंग्वेज का एक आला नमूना ही वो जो अपने शोहर का नक्शा डिस्क्राइब करें, वो हर एक औरत क्या पता ना उनकी ज़बान वैसी थी तो उसके वास्ते उन्होंने अरबी कला था ना, इतने इसके अंदाज़ में फंसी और बली के अंदाज़ में हर एक औरत बोलती है मेरा शोहर ऐसा है, मेरा शोहर ऐसा है, मेरा शोहर ऐसा है, मेरा हर एक ही बोलती। आखिर की जो औरत होती उम्मे ज़र, उसकी मेरा शोहर ऐसा है वो है, उसकी बहुत तारीफ़ कर को जो है ऐसा कर दिया मुझे, वैसा कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया मेरे, ये जो है सुना इतना पता था कि मेरे कान के ज्वेले हो गए, मुझे इतना खाना खिला दिया कि मेरे पेट के बल आने लगे, वो सब वो। फिर वैसा रहने के बावजूद भी आखिर में बोलती कि जो है वो मेरा शोहर निकला बाहर तो एक औरत जो है और एक मोटी ताज़ी औरत आ गई क्या कर सकते, उसका दिल उस पर आ गया इतना होने के बावजूद, फिर मुझे तलाक दे दिया। बोलती हूँ तो अल्लाह बिल बोलते हैं कि जो है मैं तुम्हारा जैसा उम्मे ज़र था वैसा हूँ लेकिन मैं तलाक नहीं दूंगा, बोलते लग रहा कहानी सुनने के बाद बोलते हैं मैं जिस तरह उम्मे ज़र था, बहुत तारीफ करी ना शोर की, तो उम्मे ज़र की तरह हूँ मैं लेकिन मैं तुमको तलाक नहीं दूंगा बोलते। तो अल्लाह के रसूल ने इतना मिलजुल कर अपनी बीवों से कर दिया, तो अल्लाह के रसूल एक मिसाली नमूना। और जो है दो उनमें क्या है सफिया रज़ी अल्लाह तआला जुबैर रज़ी अल्लाह तआला, ये ग़ुलाम बन के आई थी मालूम है नहीं, तो जो आदमी ग़ुलाम औरत उस ज़माने में ग़ुलामी का ज़माना था, तो लोग बोले अल्लाह रसूल वो तो बहुत बड़ा उनके आलिम है, कि यहूद का बहुत बड़ा आलिम है, उसकी बीवी है वो, उसकी बेटी है वो सफिया, तो फिर जो है अल्लाह रसूल उनको ख़रीद कर आज़ाद करके उनसे निकाह कर लिया। जेवीरिया कबीले बने मुस्तलक के सरदार की बेटी थी, वो भी ग़ुलाम बन के आई थी, तो अल्लाह के रसूल जो किसी सहाबी किस्म आई थी, बुलाया अल्लाह के रसूल के जो है तुम किसी और को ले लो, ये छोड़ दो इसको, तो उनका क्या पैसे उनकी जो कीमत अदा किया आपने अदा करके जो है मेरे जो है मैं तुमको जो है ये कर देता हूँ आज़ाद करके तू निकाह कर लेता, अल्लाह को निकाह कर लिया। तो ये जो 11 निकाह किया आप सब बड़े बड़े सरदारों की थी सब, और कब किया 55 साल के बाद ये देखो जो निकाह किया अल्लाह के रसूल ने अपने इसके लिए नहीं किए, नफसानी ख्वाहिशात के लिए नहीं किए, अगर नफसानी ख्वाहिशात के लिए 25 साल का एक नौजवान 40 साल की बेवा और दो मरतबा बेवा उसे करके कर लेते तो बोलो, और 25 साल तक एक बीवी से नहीं है, देखो 25 साल की उम्र में एक 40 साल बेवा और दो मरतबा बेवा वो भी उससे कौन कर लेता बोलो, और 25 साल की बीवी पर रहे, फिर उनका इंतकाल हुआ और एक 50 साल और बूढ़ी औरत थी वो भी बेवा थी उससे कर ली, जरा सोचने की बात, तो आपके निकाह जो है उसे नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी मुआशरत का जो नमूना अल्लाह के लिए पेश किए वो तो बिल्कुल मिसाली, कोई भी नहीं पेश कर सकता, ये लोग इल्ज़ाम लगाने वाले ऐसे बीमा कर ले क्या ही कर ले बीमा, तो ये सब सरदार थे, अब ये आपस के जो लोग थे उनसे भी ताल्लुक मजबूत करना था, रज़ूर सिद्दीक की बेटी से कर ली, उमर रज़ी की बेटी से कर ली, उस्मान ने दो बेटे दी अली की बेटी, सब यानी अपने अपने लोगों में ताल्लुक को खुशगवार बनाने के लिए, फिर जो जो थी वो सब सरदारों की, अबू सुफियान इतना दुश्मन था उसमें की बेटी उमर बीबा से निकाह हो गया, क्या करता वहाँ से लड़ने आने मुश्किल आ गई, जमीन से कैसे लड़ना वहाँ से नमाज लड़ना मुश्किल हो गया, एकदम डाउन हो गया वहाँ, वहाँ थे पहले उन्होंने हिजरत करके आ गए, अच्छा चले गए थे वहाँ जो है उनका जो शोहर था अब्दुल्ला बिन जिज्जा जो है वो मुर्तद हो गया ईसाई बन गया, तो निकाह टूट गया, निकाह टूटने के बाद क्या करना है, तो वहाँ और एक साहबी थे उन्होंने बोले कि जो है अल्लाह के रसूल ने पैगाम भेजा वहाँ की गैर मौजूदगी में निकाह हो गया, तो जो उसके बाद नजर था 400 दिनार, फिर हमने दिनार 400 इतना ज़्यादा मेहर बन जाओ बादशाह अपनी तरफ से मेहर अदा करे अल्लाह के रसूल का, तो वहाँ ही नहीं, अब वहाँ से आना कब अल्लाह के रसूल अभी हिजरत करके नहीं गए थे, मैंने बाद में हिजरत करके आने के बाद आ गए मैं भी बा, अब सुफियान जो आखिर तक लड़ते रहे थे, तो सुलह हुदे हुए होने के बाद जब सुलह हो गई जंग तो आ गए घर को आके बैठा था, नहीं तुम नहीं बैठना, ये अल्लाह के रसूल का बिस्तर है तुम इस पर नहीं बैठ सकते, क्या बेटी तू ऐसा बोले, हाँ आप गंदे हैं अल्लाह के रसूल पाक क्या बेटी कितना बदल गई तू बोला, तो अल्लाह के रसूल के जो निकाह है वो सब जो है अल्लाह के हुक्म से निकाह है, जो निकाह आपने किए सब उसके अंदर बड़ी मसलियतें थी, उसके अंदर
दावत और दीन का ये ख्याल रखे आपने निकाली, और उसके बाद उनसे सुलूक भी वैसा किया अल्लाह के रसूल, ऐसा मिसाली सुलूक किया कोई भी नहीं कर सकता। मिसाली सुलूक जो अल्लाह के रसूल ने किया बीवियों के साथ कोई भी नहीं कर सकता। तो वो लोग जो बीवियों को जो बिल्कुल क्या कचरा समझते थे, क्या जानवर से बदतर समझते थे, वहाँ ऐसा मिसाल नमूना पेश किया अल्लाह के रसूल। तो जो है एक मरतबा जो है वही अज़वाज मुतहररात को अल्लाह के अब ज़रा शोर बर्दाश्त करता है, तो जो फतवा थी ज़रा बिल्कुल खाने खाने देखे नहीं, तीन दिन में चूल्हा नहीं लगता था हमारा, हम एक चांद देखते थे, जरा चांद तीसरा चांद उनके पास क्या हिसाब किताब नहीं, तो चांद देख एक चांद देखते थे हम, तीसरा चांद देखते थे, उसके बाद हम चूल्हा से लगता था मालूम, कभी जो की रोटी पेट पर करने क्या लगता था मालूम, क्या करते थे क्या नहीं हुआ जो कौन सी दूध बेचते थे खजूर पत्ता खा ले करते थे, तीन चार महीने चूल्हा नहीं चल गया मालूम, आज जरा ये नहीं है तो कर लगती भी कैसा मरा था जी, क्या है जी, फलां है जी, वो है बोले, तीन तीन महीने बर्दाश्त करते थे, क्या करते थे मैंने जो है वही चीज़, एक जो है कोई खजूर भेजा, कोई पानी भेजा, कोई दूध भेजा था, उस पर चलते थे गुजारा लग। जब फतवा थी तो ज़रा इनको तकाजा हुआ, अब जरा बोलो 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 बोलो, तो जो है बोलने के बाद जो है तो अल्लाह के रसूल बोले वो जान दे फतवा, तो बोले क्या करना है हमको, तो आखिरत की फिक्र करना है, तो जाके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला घर में, तो हज़रत उमर रज़ी बेटी कुछ बोली, अरे तो क्या बोलने की, अगर बोले मैं क्या बोलता हूँ, तुम्हारी बेटी क्यों बोलती, देखो अल्लाह के बोली मेरी बेटी बोलती, तैयार जाता हूँ एकदम तैयार होकर आगे खट खट, बेटी क्या करती, तो अल्लाह के रसूल जो है जो वाक्य है वैसे यानी उनको तालीम तरबियत के लिए अल्लाह के रसूल ने जो है एक महीना तक इला कर लिया था, बीवी के पास नहीं जानी कसम खाई थी अल्लाह के रसूल, तो जो है वहाँ का तरीका था क्या हो, तो अल्लाह की कहाँ अल्लाह वहाँ है क्या हुआ, क्या हुआ कि नौ सब दिन मिल बैठ को या फतवाती हमें तब मंगना वाजिब है कि नहीं, देखो कितना मुश्किल थी, तीन तीन महीने तक चूल्हा नहीं से लग रहा है, तो क्या समझ रही, तो अल्लाह खुल को ये वो गुस्से में आया कर कुछ चुप बैठे चुप क्या बोली रोने लगे, अल्लाह खुल तू छोड़ क्या करती तू, वो करती ये करती है चलो बहरहाल अल्लाह खुल बाद में आ गए, वो तो जाके देखे तो अल्लाह के रसूल जो है वो बैठे हुए हैं, चटाई है, चटाई पर जो है जो उसकी चटाई उस पर सोए थे, तो उसको नशानात पड़े थे अलग, तो रोने लगे उम्र, तो उम्र क्यों रो रहा है, देखो कैसे रो, किस तरह के लोग तो ऐसे आराम से नहीं, यहाँ पर अल्लाह के रसूल ऐसे हैं, मैं नो रो तो क्या रहा हूँ, तू इसी ख्याल में क्या है, वो खत्ताब खत्ताब के बेटे उनको दुनिया में मिलेगी, हमको आखिरत में मिलने वाली है, तो देखे तो क्या आदमी नहीं, पूरे उसके अंदर एक जो है चमड़े रखे हुए, चमड़े चमड़े से सब बनते थे ना, थैलियाँ बने वो बने तकिए बने चमड़े से, मैं कैसा है एक मुट्ठी जो वहाँ पड़े हुए हैं, इसके सिवा क्या भी नहीं कर, तो ये अल्लाह की माशरत थी, उसको बर्दाश्त करने वाली कैसी है, देखो तो अल्लाह कहे तो हमने आपको छांट छांट कर बीवियाँ दी, कुरान में छांट छांट कर हमने बीवियाँ दी, फिर उनको बोले अगर तुम दुनिया चाहती हो बोले अल्लाह करो आए थे तखीर कराई, तुम दुनिया चाहती हो तो मैं तुमको छोड़ देता हूँ, तुम कहे चले जाओ, तुम आखिरत चाहती हो तो मेरे साथ रहो, तो आके आई इस से पूछ आई, देखो तुम आखिरत की ज़िंदगी चाहती हो तो मेरे साथ रहो, तो हाँ सही बोले कि अलग मैं आखिर चाहता हूँ, किसी को न खोल मेरा जवाब पता मुझे जवाब दे रहे हो, तो अलग तुम खुद जवाब मत दो, अपने माँ बाप को पूछो पहले, ये बात माँ बाप को पूछो, मैं नहीं माँ बाप को नहीं पूछती जवाब, देखो बहुत अकलमंद थी ना आता है, मैं माँ बाप को नहीं पूछती, मैं इसमें माँ बाप पूछने क्या, मैं आपको चाहती हूँ आखिरत को चाहती हूँ अल्लाह को चाहती हूँ, मगर मेरा जवाब किसी को ना बोले नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं जवाब, तो सारी अजबाज यही कहा कि जो है हम आखिरत को अल्लाह के रसूल को चाहने वाले, तो जो है अल्लाह के रसूल जो फिक्र उन्हें पैदा करना चाह रहे थे आखिरत की ज़िंदगी के लिए, तो ये जितना वो प्यार दिए वैसा उन्होंने भी वैसा उसके लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी इन लोगों ने, देखें अजबाज मुतारात, तो हम जो है अपने प्यार मोहब्बत के ज़रिए से और से सब कुछ करा सकते हैं, प्यार मोहब्बत के लिए करा सकते हैं, हम वो कदी ने तैयार नहीं ना उनके हक अदा करके उनको जो असल चीज़ है औरत के साथ जिस तरीके से सलूक करना है हम ना करने की वजह से वो हमारी बागी हो जाती है, दिल में नफरत पा जाती है, मालूम है कि नहीं भाई हमारा सच्चा आदमी है, हमारा दिल को चाहने वाला है, हमारा खैरख्वाह है, ये उनको हो गया, तो अल्लाह के लिए मालूम हो गया था अल्लाह के रसूल बिल्कुल जो है
सब परिंद सारे इंसान में खैर खाएँ, हमारे सबसे बड़े खैर खाएँ, ये मालूम हो गया उनको। हर चीज़ करने में तैयार हो गई थी अजवा के मुतर, हर चीज़ करने में तैयार हो गई थी। लेकिन किस तरह से आपकी जो है सारी चीज़ें करती थी अजवा के मुतर। तो बहरहाल यहाँ जो है अजवा जिंदगी के ताल्लुक से अहकाम आ रहे हैं। इस अजवा जिंदगी का मकसद क्या है? सुकून है, बाहमी उल्फत, मोहब्बत, रहमत। अब ये नहीं है तो फेल है। तो कान मॉडल नमूना हुआ है, सब सबक रामी बाद में बदल गए। अरे अलग लैसे हैं तो अलग लैसे हैं, हमें क्या कर रहे हैं। औरतें के भी नहीं थे ना बाद में जो है, अरे अलग ऐसा रहना चाहिए औरतों से, ऐसा रहना चाहिए, बाद उनको मालूम होगा। और बहुत दूर जाने की ज़रूरत है। अभी हम हिंदुस्तान के बहुत बड़े लोग थे, कल जिक्र किया था मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, उनके मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के माँ के नाना मुजफ्फर हुसैन साहब, उनकी भी बड़ी जल्लाद थी। ऐसी जल्लाद थी लेकिन ऐसा सुने तो हैरान रह जाएंगे। वह कदा करती थी, वह कदा करती थे, बस कोई भी नहीं कर सकता। क्या अल्लाह ताला क्या उनको तकवा परहेज कर जाता है लगते हैं? कोई चीज़ ऐसी ला के दे जो मुश्तबा है, डाउटफुल है, तो उनकी हसम नहीं होती, खे हो जाती थी मालूम है। ये अल्लाह उनको दर्जा दिया था मालूम। ऐसे बड़े अल्लाह के वली थे वो, कोई चीज़ ला के दे उनको, देखो भाई क्या भी दिलाना हो तो बड़ा दिशे एक ले करे दावत के सौप करें। वहाँ से जो है वो क्या कि दूध क्या कि जो है वो नहीं था, चुप जाकर लाग पड़ा। सब देखो क्या भाव, सब बड़बड़ ले नहीं, अच्छा पुछ को ले नहीं कर, सब करें वहाँ से देखे कि नहीं नहीं क्या भी गड़बड़ नहीं, गड़बड़ है सब, खाते उल्टी हुए वो गड़बड़े वहाँ से, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और इनकारी शुरू करे नहीं वो दूध उन्हें नहीं था ना, कौन की बगैर बोले ला दिए ऐसा उनका। यानी अल्लाह ताला बहुत तकवा दिया था उनको, तो उनकी भी वैसी थी। तो बीवी की जो है बर्दाश्त करना ये बहुत बड़ा कमाल की बात है, ये अली अल्लाह काम है मालूम है। अली वली बनना है तो इमाम अहमद बिन हम्बल, दो बहनें थी, जो बहन जो है वो जो है ज़्यादा खूबसूरती उससे कर ली, अरे वो कर लो नहीं नहीं मैं वो कर लो कभी मैं उसके साथ लग पड़ा क्या करूँ, खूबसूरत रात दिन उससे चल। तो हमें कौन सी दो लड़कियाँ कौन सी खूबसूरत वो करती, देखो कितना फ़र्क है। कुछ करे नहीं वो करता हूँ, वो नहीं करता, खूबसूरत है वो करने वाला हमारा नहीं कर लेता, वो कौन सी अच्छी है वो कर लेता, जो कौन सी अच्छी नहीं उन्होंने वो कर ली। ये देखो तो अस्तवाजी जिंदगी की बेहतरी जो है सिर्फ दुनिया के लिए, आखिरत के लिए भी काम आएगी ये सर, दुनिया के लिए नहीं आखिरत के लिए काम आएगी। तो बहुत कुछ बातें कहने की, तो जो है यहाँ अल्लाह ताला बता रहे हैं जो है इन नफी ज़ालिक लायत लिखो में तफक्करून, इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं उन लोगों में जो गौर फिक्र से काम लेते। आप हक़ अदा करने में कोताही करें, दोनों भी करना है, ऐसा नहीं कि जो है मर्द कुछ ज़बरदस्ती करे औरत को, औरत क्या हक़ अदा करना, वो शोर की ड्यूटी वो करो। क्या दर्जा दिया है इस्लाम ने औरत मर्द, अगर इस्लाम में अल्लाह के सजदा होता तो मैं औरत उनके शोर को सजदा करे मालूम है, ये मकाम है उसको मालूम होना चाहिए। ये अपनी बेटी को समझाना चाहिए तेरा निकाह हो रहा है, तेरे शोर का दर्जा ये है, देख शोर का जिसम पूरी तरह अवलों से भर गया, चाटे की भी तो हक अदा नहीं करी शोर, ये तो काले पहाड़ के पते लेके पीले पहाड़ पर रख, पीले पहाड़ लेके जो है दूसरे पहाड़ पर रख, अगर वो करेगी तो हक अदा नहीं होगा। अगर तू ये काले पहाड़ के पत्थर लेके पीले पहाड़ पर रख सकती क्या, मिसाल समझा जा रहा है। इतना मुश्किल काम अगर बोल रही है, इतना मुश्किल काम जो है तेरा शोर बोल रहा है तो तू कर। तो ये शोहर का दर्जा इस्लाम ने दिया है, उसकी सारी बात मानी जाएगी, लेकिन कोई काम शरीयत के खिलाफ तो नहीं माना जाएगा। शोहर की सारी बात मानना चाहिए, लेकिन क्या बात नहीं मानना, शरीयत के खिलाफ तो नहीं मानना, ये दर्जा है। अगर औरतें करें तो शोहर हर बात माने तो उन्हें क्यों लड़ाई करते तुम्हारे साथ, अगर औरत जो है शोहर की सारी बातें इताअत करती है उनकी लड़ाई तो बढ़ेगा। नहीं कर रहे तो बहुत वांड है जी, बहुत वो है जी, सुनती नहीं जी, वो ये चल रहा। अगर औरत जो है शोर की इताअत करेगी उन्हें खम खम झड़ करता है लड़ते बढ़ता है, तो ये भी औरत को भी मालूम होना चाहिए शोर का दर्जा क्या है। शोर को मालूम होना चाहिए कि उस पर मेरे कुछ मेरा कुछ फरीज है उसको अदा करना है। वाशिरुन बिल मारूफ, औरतों से भली तरीके पर रहो, जैसे तुम्हारे हक हैं वैसे उनका भी हक है, तुम्हें बेहतरीन वो लोग हैं जो अपनी औरतों के लिए बेहतर हैं। तो इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। तो एक घर है लेकिन औरत नहीं है, कैसा घर रहते तज बोलो।
क्या लिखा है इकबाल, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, ये कायनात की तस्वीर में औरत के वजूद से जो है रंग है निकल, किसी घर में औरत नहीं समझो मिसाल, क्या होता है तुम्हें बोलो क्या कहना था, औरत कौन घर में औरत नहीं है जी, घर होता घर बनता कहते बोलो। इसलिए शायर ने बहुत अच्छा लिखा है, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, ये कायनात की तस्वीर में जो रंग नजर आए औरत की वैसे, इसी के सास से फूटा है सूजे दिलों, कुछ शेर है कायनात के अंदर जो कुछ भी रंगीनी है, दुनिया के अंदर जो भी है सब औरत की वजह से, औरत निकाल दो दुनिया क्या कुछ भी बात नहीं रही, सिर्फ मर्द नहीं, एक घर में सिर्फ मर्द नहीं, पूरी दुनिया नहीं बोलता, एक ही घर में सिर्फ मर्द आए, क्या होता बोलो, नहीं बताओ औरत के ऊपर नहीं चलता। इसलिए अल्लाह तआला ने जो है पहले आदम सलाम पैदा फौर उनकी हवा पैदा कर दिया, अभी बहुत तफसील है इंशाल्लाह अल्लाह ताला कुरान पढ़ने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लकुनन्न मिनल ख़ासिरीन, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.